को हम कहते हैं पश्चिमी गंगा। ये क्रम है इनका जो मैं बता रहा था, और ये शासक इनका इतिहास हमें क्रमशः पढ़ना है। माधव पांडे, आदित्य, कौशल, गंग डायनेस्टी को कहते हैं वेस्टर्न गंग। पश्चिमी गंग भारत के मानचित्र में जिन वंशों ने शासन किया, सुशील रविंद्र नीतू, इसमें राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, गंग, चोल, चेर, पांड्य, ये क्रम है। गंग वंश को हम कहते हैं पश्चिमी गंग। ये क्रम है इनका जो मैं बता रहा था, और ये शासक इनका इतिहास हमें क्रमशः पढ़ना है। माधव प्रथम, द्वितीय वर्णन, माधव तृतीय, अवनीत, दुर्विनीत, शिवमार प्रथम, श्री पुरुष, शिवमार द्वितीय, राजमल्ल द्वितीय, नीति मार प्रथम, बुधु प्रथम, मार सिंह तृतीय, रक्कस। एग्जैक्ट लोकेशन पश्चिमी गंगों का ये है भारत के मानचित्र पे। वर्तमान मैसूर और उसके आसपास का इलाका, हालांकि दो शाखाओं ने शासन किया, सर्वाधिक प्रसिद्ध यही शाखा है जिसे हम कहते हैं पश्चिमी गंगा। वो
पूर्वी गंग वंश का शासन था उड़ीसा में। दोनों एक ही डायनेस्टी से ताल्लुक रखते थे, दोनों का टाइम पीरियड भी अलग अलग है। पश्चिमी गंग वंश का टाइम पीरियड लगभग काफी लंबा है, 250 से लेकर के 1004 ईस्वी। पूर्वी गंग का टाइम पीरियड 1028 से लेकर के 1435। तो ये काफी बाद में मिडिवल पीरियड में, ये एंशिएंट पीरियड में, एंशिएंट और मिडिवल प्रीमिटिव। मैसूर के जो आसपास का इलाका है उसका नाम इसी के नाम पे पड़ा है, गंगवाड़ी। इन दोनों में आपस में संबंध था। आसपास पल्लव, चालुक्य, कदंब, इनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध भी बनाए। आठवीं शताब्दी तक आते आते कमजोर हो गए आपस में विवाद के कारण। तो पश्चिमी गंगवंश को हम क्रमशः देखते हैं। ये जो क्षेत्र है ये बेसिकली कर्नाटक का क्षेत्र है। पश्चिमी गंगवंश ने शासन तभी संभाला जब पल्लव का पतन हो गया। पल्लवों के पतन के पीछे सबसे बड़ा कारण था समुद्रगुप्त। पहले ये इनकी राजधानी हुआ करती थी कोलार। लेकिन बाद में समय बदल करके इनकी राजधानी हो गई तलकार। ऐसा माना जाता है कि गंगवंश बेसिकली इक्ष्वाकु वंश की शाखा थे। ऐसा माना जाता, प्रमाण तो नहीं है। और जब गुप्त वंश का पतन हुआ, पल्लवों का दक्षिण भारत में पतन हुआ, तो यह स्वतंत्र हो गया। इक्ष्वाकु वंश यानी भगवान राम का वंश है। तलकार कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। शायद यही कारण है कि इन्हें गंग वंश कहा गया। इनके गोत्र थे कण्व। कण्वायन गोत्र और इनका संस्थापक
कोंगु निवर्मन। कोंगु निवर्मन का एक और नाम है माधव प्रथम। एक ताम्र मुद्रा पर यह गंग वंश का इम्ब्लम है, राजकीय चिन्ह हाथी। तो क्रमशः के शासक के बारे में पढ़ेंगे। पहला है माधव प्रथम। हेलो चंचल सुहानी, साढ़े 300 से 400 ईस्वी के बीच इनका शासन है। इन्होंने ही अपनी राजधानी एस्टेब्लिश की थी कोलार में। इनको संस्थापक माना जा सकता है। फिर माधव द्वितीय 400 से 435 ईस्वी तक। इसको उपनिषद का विद्वान माना जाता है। ये वात्स्यायन के पहले कामसूत्र की रचना भी थी, उसका नाम था वेश्या सूत्र। वेश्या सूत्र के रचयिता थे दत्तक, उन पर इन्होंने टीका लिखी थी। नहीं, फिर आते हैं हरिवर्मन। इन्होंने अपनी राजधानी को कोलार से हटा करके तलकाड़ बनाया। और इसको पल्लव नरेश सिंह वर्मन प्रथम ने हरा दिया। हरिवर्मन के बाद माधव थर्ड। चार सौ साठ से 500 ईस्वी।
कदम्ब राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया। फिर आते हैं अविनीत। ये भी जवान भी ठीक से नहीं हुए थे, इनको राजगद्दी मिल गई 540 ईस्वी तक। अविनीत तक कुछ खास नहीं, लेकिन खास शुरू होता है दुर्विनीत। इन्होंने 600 ईस्वी तक शासन किया। जैसे भारत, उत्तर भारत में हम देखते हैं कि जो गंगा वो विजय, 1 मिनट, दुर्विनीत ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्र जीते दक्षिण भारत के। दक्षिणी मैसूर में पुन्नाल, कोंगू, चालुक्यों से दोस्ती कर ली। लेकिन पल्लवों का शत्रु बना रहा। कन्नड़ संस्कृत का विद्वान था और जैन व्याकरण विद्वान थे, पूज्यपाद उनका शिष्य था। ये तुर्विनीत ने बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, शब्दावतार। और प्राकृत भाषा में किताब लिखी गई है, बृहत कथा। इसका संस्कृत में अनुवाद किया था। जैन आचार्य पूज्यपाद का शिष्य है। आपने किरातार्जुनीयम जो नियम के लेखक का नाम सुना होगा, उन्हें नहीं, बृहत कथा अलग, बृहत कथा मंजरी अलग है, भारवी का संरक्षक है।
कृतार्जुनीयम का डिपिक्शन है। और भारवी के किरातार्जुनीयम के 15वें चैप्टर 15वें चैप्टर के रूप में इसकी ख्याति है। पंद्रहवें चैप्टर सभी का नहीं। इसके बाद बहुत सारे नॉन सिग्निफिकेंट गैर महत्वपूर्ण शासक हुए। 7वीं सदी मेषी वंश में मुस्कर, श्री विक्रम, भू विक्रम, शिवमार प्रथम, ये निरंतर पल्लवों से लड़ते रहे। इसमें महत्वपूर्ण है शिवमार। प्रथम 670 से 713 दुर्विनीत के बेटे का बेटा था। शिवमार के बाद इसके बेटे का बेटा श्री पुरुष ये राज्य का अधिकारी हुआ। श्री पुरुष के समय में पीक पर पहुंच गया गंग डायनेस्टी और इसको कहा जाने लगा श्री राज्य। श्री का मतलब होता है समृद्धि का प्रतीक, श्री का मतलब लक्ष्मी। शिवमार और श्री पुरुष के कन्नड़ के अभिलेख मिले हुए हैं जो इसकी समृद्धि का विवरण भी देते हैं। तलक्कड़ से सात सौ अड़सठ ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने गंग वंश पर अधिकार कर लिया। जिस समय अधिकार किया उस समय गंग शासक था शिवमार सेकेंड। सात सौ अट्ठासी से 812 ईस्वी तक इसने शासन किया। राजकूट नरेश ध्रुव ने इसको कैद कर लिया। और अपने बेटे स्तंभ को गंगवाड़ी का राज्यपाल बना दिया। फिर ध्रुव के बाद आते हैं राजकूट नरेश गोविंद तृतीय। स्तंभ का भाई है। इन दोनों में लड़ाई होगी उत्तराधिकार को लेकर के। शिवमार द्वितीय को गोविंद ने रिहा कर दिया लेकिन शिवमार द्वितीय ने भी स्तंभ का ही पक्ष लिया। फिर से कैद कर लिया गया। शिवमार द्वितीय भी बहुत ही विद्वान था।
तर्क दर्शन नाटक व्याकरण। कन्नड़ में इसने किताब लिखी गजशतक। इसके बाद जो प्रमुख शासक हुए हैं, नीति मार्ग प्रथम, इन्होंने 870 ईस्वी तक शासन किया, और राष्ट्रकूटों को हराया। नीति मार्ग प्रथम का बेटा है बुतुक प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम ने अपनी बेटी चंद्रबेलब्बा की शादी इसे की। बाद में आगे चल करके ये राष्ट्रकूटों के सामंत बन गए, गंगवंश के शासक। इसी सामंत काल में बुतुक के बाद राजमल्ल चतुर्थ राजा हुए। और फिर इसका भाई रक्कस, इस राजमल्ल चतुर्थ का मंत्री था चामुंड राय। चामुंड राय का नाम सुना होगा, तुमकुर जिले में है, ये भी गंगो द्वारा बनवाया गया है। पंचकूट बसादी गंगो के समय में ये श्रवण बेल बोला है। इसी सामंत काल में बुतुक के बाद राजमल्ल चतुर्थ राजा हुए। मल्ल चतुर्थ का किया गोमतेश्वर की प्रतिमा या बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण चामुंड राय ने किया, 57 फीट ऊंची प्रतिमा। श्रवण बेल बोला में और रक्कस के ही समय 1004 में चोलों ने तलकाड़ पर अधिकार कर लिया और गंगवंश का अंत हो गया।
गोमतेश्वर प्रतिमा के नीचे ये इंस्क्रिप्शन है, स्वर्ण बेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियों पे बना हुआ है। चंद्रगिरी का मंदिर भी है वहां पे, चंद्रगिरी हिल टेंपल। पश्चिमी गंग शासकों ने बहुत महत्वपूर्ण निर्माण कार्य भी किए। सिया मंगल, महावीर रॉक कट टेम्पल, अच्छा कालेश्वर मंदिर में प्राचीन कन्नड़ इंस्क्रिप्शन, बेगूर इंस्क्रिप्शन प्राचीन कन्नड़ में, कालेश्वर मंदिर तुमकुर जिले में है, ये भी गंगों द्वारा बनवाया गया है। पंचकूट बसादी गंगों के समय में ये जैनिज्म का बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र रहा है। पंचकूटी बसादी में ये उसकी रेलिंग है। तो यहां तक बात समझ में आई। अथवा नहीं आई, तो कुछ प्रश्न है उनका उत्तर दीजिए। पश्चिमी गंगवंश दक्षिण भारत में स्थापित थे। पश्चिमी गंगवंश इक्ष्वाक वंश की शाखा थे। का विद्वान था माधव सेकंड हरिवर्मन, माधव थर्ड अविनी। चालुक्यों से दोस्ती कर ली। लेकिन गंग शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या असत्य है?
वैवाहिक संबंध वगंग शासक जिसने शब्दावतार ग्रंथ की रचना की, माधव द्वितीय हरिवर्मन दुर्विनीत अविनीत वह गंग शासक जिसने भारवी को संरक्षण दिया, माधव सेकंड हरिवर्मन दुर्विनीत अविनीत। अब नेक्स्ट है कदम।
20 वर्षों तक बुतुक राजपूतों के अधीन सामंत के रूप में शासन करता रहा। निर्माण कार्य पीडीएफ में मैंने बस सांकेतिक रूप में दिया है। कदंब डायनेस्टी में दो शाखाओं ने शासन किया, एक को बनवासी शाखा बोलेंगे दूसरी त्रिपर्वत शाखा। बनवासी शाखा के फाउंडर है मयूर शर्मन, कंग वर्मन, भगीरथ, रघु, काकुस्त वर्मन, शांति वर्मन, शिवमंता मंधात्री, मृगेश वर्मन, रवि वर्मन, हरि वर्मन। त्रिपर्वत शाखा कृष्ण वर्मा, विष्णु सिंह, कृष्ण पुलकेशिन प्रथम। कदम्बों का भी स्थान वही है, थोड़ा सा बड़ा है, जहां गंगो का स्थान है। और इन्होंने ३४५ से लेकर के ५२५ वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में शासन किया। पूर्वी गंग मेडिवल में बताएंगे, जब मेडिवल पढ़ाएंगे ना उनका टाइम पीरियड मेडिवल है। इनके संस्थापक है मयूर शर्मा, पल्लवों को हरा करके इन्होंने कदम वंश की स्थापना की। कदम्ब और पश्चिमी गंग ये दोनों समकालीन थे। आगे बढ़कर के इनका शासन गोवा तक भी विस्तृत हो गया। कई शाखाओं में बट गए, गोवा के कदम, हलासी के कदम, हंगल के कदम। कन्नड़ भाषा का प्रशासनिक उपयोग करने वाले ये पहले राजवंश। इनकी भी उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, कैसे ये उत्पन्न हुए। कुछ कहते हैं पेड़ से पैदा हो गए, ये एक इंस्क्रिप्शन है कन्नड़ में। कामदेव नाम के राजा हैं कदम्ब डायनेस्टी में हंगल शाखा की। कोई कहता है पसीने से निकले थे। तालगुंडा शिलालेख कहता है कोई भगवान छह मुख वाले आए और उनको पैदा करके चले गए। इनका सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है तालगुंडा पिलर इंस्क्रिप्शन। यह है तालगुंडा पिलर इंस्क्रिप्शन। यह बताता है कि मयूर शर्मा यहीं के निवासी थे। इनके घर के पास एक कदम्ब का पेड़ था, इसलिए इनके वंश को कदम वंश कहा गया।
यह शिलालेख बताता है कि मयूर शर्मा कांची गए थे वैदिक अध्ययन के लिए। और एक घोड़े की बलि के कारण पल्लवों से इनका झगड़ा हो गया। ये तालगुंडा कर्नाटक में स्थान है। और पल्लवों से प्रतिशोध लेने के लिए इन्होंने एक राजवंश बना लिया। कर्नाटक का पहला राज्य कदंब के रूप में ही पैदा हुआ। दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त अटैक कर रहे थे, इसी का लाभ उठा करके मयूर शर्मन ने वहां पे एक राज्य बना लिया। एक और इंपॉर्टेंट अभिलेख है इनका, हलमिडी अभिलेख। एक और अभिलेख है हलासी अभिलेख। लेकिन तालगुंडा अभिलेख इन सब में इंपॉर्टेंट है। तालगुंडा अभिलेख में साफ साफ लिखा गया है कि इन्होंने गुप्त शासकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, गंगों के साथ भी वैवाहिक संबंध बनाए। एक बेटी का विवाह स्कंद गुप्त से हुआ था। वाकाटकों से भी इनकी शादी हुई थी। बाला शिलालेख से पता चलता है। संस्कृत साहित्य के कुछ प्रमाण में यह भी बताते हैं कि कालिदास ने कदंब दरबार का दौरा किया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने कालिदास को बरदेखुआ समझते हो ना, बरदेखुआ कौन कौन जानता है बरदेखुआ? कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बरदेखुआ बना के भेजा था कदम्बों के पास। तो इनके अलग अलग शासकों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे शांति वर्मन है, इनको इनके व्यक्तिगत आकर्षण और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। एक शिलालेख में लिखा है कि इन्होंने तीन मुकुट धारण किए थे। इनके बाद त्रिपर्वत शाखा के कृष्ण वर्मा। कृष्ण वर्मा को शांति वर्मा ने पल्लवों के एक भाग को छीन करके पल्लव राज्य के कृष्ण वर्मा को वहां का राज्य दे दिया और इसी से त्रिपर्वत ब्रांच का निर्माण हुआ। कृष्ण वर्मा ने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था।
लेकिन पल्लवों के साथ युद्ध में ये मारे गए। फिर इनका बेटा सिंह वर्मा सत्ता में आता है। ये भी आते हैं लेकिन इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर कृष्ण वर्मन द्वितीय हलासी के अभिलेख में जो मैंने अभी आपको दिखाया, कृष्ण वर्मन द्वितीय को गंग विनाशक कहा गया है, यानी गंगों को नष्ट करने वाला। और विनाशकारी आग, यह हलासी अभिलेख। ये नरसिंह मंदिर का उल्लेख ग्रीक लेखक भी करते हैं अपने किताबों में। फिर शिवमन्त्रात्री मृगेश वर्मन शंगोली शिलालेख के बारे में पता चलता है, के द्वारा पता चलता है कि हरिवर्मा शासक। और हरिवर्मा के बाद दोनों शाखाएं एक हो जाती है। इन्हीं कदम्बों के जागीरदार थे चालुक्य। बादामी के चालुक्य बाद में चालुक्यों ने पूरे कदम्ब शासन पर अधिकार कर लिया और आगे चलकर ये कदम्ब इनके जागीरदार बन गए। हरिवर्मा के कुछ कॉपर प्लेट मिले हैं हलासी से, उनसे ये जानकारी मिलती है। ये कॉपर प्लेट जब चालुक्यों ने इनको नेस्तनाबूत कर दिया तो ये बहुत सारी छोटी 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 शाखाओं में बट गए। गोवा के कदम्ब हलासी हंगल वनाड वेल्लूर कांकापुरा बंदाली के चंदावर उड़ीसा में जयंतीपुरा, ये कदम्बों की ही शाखा है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख भी कदम्बों पर प्रकाश डालता है क्योंकि
एहुल अभिलेख है मेघुदी मंदिर पर, यहाँ पे अंकित ये दिख रहा है ना सर्किल। ये वो अभिलेख, कदंब प्रशासन में खास बात यह थी कि कदंब राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की और इन्होंने सातवाहन व्यवस्था का पालन किया। वेदों के विद्वान माने जाते थे। इसे मयूर शर्मा को वेदांग वैद्य शारदा कहा गया है। यानी वेदों का स्वामी। अलग अलग शासकों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे विष्णु वर्मन, इनकी प्रसिद्धि है व्याकरण और तर्क शास्त्र। मैंने निपुणता के लिए सिंह वर्मन को सीखने की कला में कुशल माना जाता है। अलग अलग नाम से इनके अलग अलग पदाधिकारी जाने जाते थे। डॉक्टरों कहते थे देश माता, निजी सचिव को रहस्याधृत, मुख्य सचिव सर्व कार्यकर्ता, मुख्य न्यायाधीश धर्माध्यक्ष, अधिकारी को भोज का या आयुक्त, राजस्व अधिकारी को राजुकश, लेखक और लेखपाल। जमींदार को कहा जाता था गांव। ये भूमि मालिक थे और राजा और किसानों के बीच लगान वसूलने के लिए बिचौलिए का काम करते थे। और शाही परिवार को सैन्य सहायता भी प्रोवाइड करते थे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति प्रचलित थी। राज्य का डिवीजन ऐसे ही था, सबसे ऊपर राज्य, राज्य को मंडल में बांटा गया, मंडल को विषय में, विषय को ताल्लुक, फिर 10 ग्राम, फिर ग्राम।
टोल संग्रह केंद्रों को कहते थे मंडपिका। टैक्स भूमि की उपज का